आज मैं लाई हूँ तोरी, पहाड़ी तोरी। आज बनेगी पहाड़ी तोरी। आधा किलो तोरी लग रही है ये, और सूख के बनेगी इतनी सी। चलो इसे काट लेते हैं फिर बनाएंगे। देखिए आधा किलो तोरी का इतनी सी बनी है, तो इतने से तो हमारा कुछ होगा नहीं। और साथ में बने बना रही हूँ भिंडी। आज मेरा फास्ट है तो इसमें और कुछ भी नहीं डलेगा, सिर्फ भिंडी भिंडी बना रही हूँ। प्याज व्याज तो कुछ डलेगा नहीं, सिंपल। तक यहाँ भिंडी बन रही है, तब तक मैं गूंथ लेती हूँ आटा। आटा मैंने गूंथ दिया है और सब्जी बन रही है, तब तक मैं कर लेती हूँ कपड़े फोल्ड। बहुत सारे कपड़े फोल्ड करने हैं, दिन से फोल्ड नहीं किए। सब्जी ऑलमोस्ट बन गई है, अब बस बना लेती हूँ रोटियाँ। आज पराठे बनाऊंगी। फास्ट के दिन मेरे को रोटी खाने का मन नहीं करता, पराठे या पूरी बनाती हूँ। थाली और बन चुका है डिनर, तो चलिए करती हूँ मैं डिनर। गुड मॉर्निंग, यह है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप। मैं बना रही हूँ अपना वन ऑफ द फेवरेट नाश्ता, वर्मीसेली नमकीन वाली। और यहाँ पे प्याज फ्राई है, उसके बाद टमाटर डाल दिया है, मसाले डाल रही हैं, हल्दी नमक मिर्ची धनिया पाउडर जीरा पाउडर। मसाला अच्छा से हो जाएगा तो इसके ऊपर से डाल दूँगी वर्मीसेली जो मैंने रोस्ट की करके ऑलरेडी रखी हुई है। फिर पानी डाल के बस पका लेंगे। ऑलमोस्ट डन है, एक साइड बन रही है कॉफी। यहाँ पे रेडी है मेरा यम्मी सा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद आ गई थी यहाँ पे बर्तन धोने के लिए, और यहाँ देखो इवान भी पूरी हेल्प कर रहा है मेरी काम में। काम करने के बाद मैंने कपड़े धोए, कपड़े उपड़े धोने के बाद थोड़ा घर बात करी, फिर फ्रूट वगैरह खाए। उसके बाद दाल मैंने बॉईल करने के लिए रख दी थी, अभी मैं आ गई हूँ दाल छौंकने के लिए। ये बनाई है मैंने चने की और अरहर की दाल। लंच मेरा सारा बन गया है, हस्बैंड भी ड्यूटी से आ गए हैं, तो बस मैं थाली लगा रही हूँ। चावल दाल हमारे यहाँ यही बनता है, साथ में चटनी बना लो या फिर कभी रायता बना लो। आज मैंने भांग की चटनी बनाई है, और बस ये दाल चावल और साथ में सैलेड। लंच करने के बाद मैंने किया थोड़ी देर रेस्ट, उसके बाद मैं यहाँ पे कटहल काट रही थी, क्योंकि शाम को शायद अगर हस्बैंड ड्यूटी से जल्दी आ गए तो ग्रोसरी का सामान लेने जाएंगे, तो पहले ही मैंने काट के रख देती हूँ। काफ़ी सब्जियाँ थी जो मेरे हस्बैंड और मैं पहले नहीं खाते थे, बट मैंने उनको अलग टाइप से बनाया, तो अब वो भी खाते हैं और मैं भी खाती हूँ। क्योंकि अगर हम ही नहीं खाएंगे तो हम बच्चों को कैसे बोलेंगे खाने के लिए। जैसे बैगन का मैं भरता बनाती हूँ तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगा, अब वो भी खाते हैं मैं भी खाती हूँ। ऐसे ही वो करेला नहीं खाते थे, तो करेले को मैंने फ्राई करके बनाया, उनको काफ़ी अच्छा लगा, अब नॉर्मल करेला भी वो खा लेते हैं। ऐसे ही लौकी नहीं खाते तो लौकी का भरता बना लिया। मतलब हम किसी ना किसी तरीके से उसे खाने में इंक्लूड कर लें, ये मेरी कोशिश रहती है। तो वैसे ही ये कटहल के लिए भी बोल रहे थे कि मैं कटहल नहीं खाता हूँ, बट मैंने बोला कि मैं आपको अलग टाइप से अच्छे से बना के खिलाऊँगी। तो आज देखते हैं मेरा टेस्ट भी है ये, मैं पास होती हूँ या फेल होती हूँ, उनको कैसी लगती है कटहल की सब्ज़ी। मैंने काट के धो दी है, प्याज भी कट कर दिए हैं, और काम मैं आके करूँगी। सब्ज़ी मैंने काट दी है, बनाऊंगी आके, अभी जाएंगे घूमने के लिए। इससे पहले छत से आई हूँ कपड़े उठाने के लिए। नहीं पकड़ना, मैं ले आऊँगी ना कपड़े सारे, पकड़ फिर।
थोड़े से कपड़े थे मैंने ले लिए हैं, अब हम चलते हैं वॉक करने। अब हम मौसम भी खराब हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है छींटे पड़े शायद। वॉक करके तो हम लोग आ गए हैं, अब जा रहे हैं जरा बाहर। दाल वाल सारी ख़त्म हो रखी है, जब घर से आए थे तभी लेके आए थे, तो चलते हैं बाहर। आज क्या मतलब हस्बैंड ने तो मेरे ख्याल से मेरे हाथ की खाई नहीं है, बोल रहे थे मैं कटहल खाता ही नहीं हूँ, मैं जबरदस्ती खरीद के लाई हूँ। मैंने बोला मैं अलग टाइप से बना के खिलाऊंगी, तो ज़रूर खाएंगे। बहुत सारी सब्ज़ी है जो हम पहले नहीं खाते थे, जैसे बैगन भी हम पहले नहीं खाते थे, तो मैंने अलग अलग टाइप से बनाया, तो अब वो भी खाते हैं मैं भी खाती हूँ। ऐसे मैंने बोला आज कटहल बनाती हूँ अलग टाइप से फ्राई करके, देखते हैं इनको कैसी लगती है। करेला भी नहीं खाते थे पहले, फिर मैंने वही फ्राई वगैरह करके बनाया तो इनको काफ़ी अच्छा लगा, तो आज कटहल बनाते हैं। अब तेल गर्म हो गया है, इसमें हम कटहल को फ्राई करते हैं। कटहल की सब्ज़ी को हम वेजिटेरियन लोगों का नॉनवेज बोल सकते हैं, तो इसमें अच्छा खासा प्याज टमाटर लहसुन अदरक सब कुछ लगेगा, जैसे चिकन की ग्रेवी के लिए लगता है। तो बस प्याज मैंने फ्राई कर लिया है, टमाटर डाल दिया था और मसाले वगैरह डाल दिए हैं, हल्दी नमक मिर्ची धनिया पाउडर जीरा पाउडर, और इससे 2 चम्मच मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और ढक के बस 10 मिनट पकाऊंगी। हमने फ्राई किए हैं तो इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए 10 मिनट बाद पानी पूरा सूख गया है और कितनी मस्त बनी है। लास्ट में गार्निशिंग कर देंगे धनिया से। अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आपको बता देती हूँ हस्बैंड को सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी, मैं पास हो गई टेस्ट में, तो अब से हमारे घर में कटहल भी बना करेगा। कौन सी वाली खानी है? चावी। निकालो। आप इसको खोलोगे? क्या है इसके अंदर? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर चम्मच है। अरे आपने तो खुद ही निकाल दी। आप आइसक्रीम मेरे को दो, मैं इसको, मैं कुछ पढ़ रही हूँ इसमें। मुझे भी पढ़ना है। आपको पढ़ना आता है क्या? मुझे भी पढ़ना है। क्या लिखा है इसमें? इसमें आइसक्रीम लिखी है या भी आई है? वो तो आइसक्रीम का डब्बा है इसलिए आपको पता है, कुछ और लिखा है इसमें। इधर के बताओ। मुझे पता है इसमें तो बीच में या भी आइसक्रीम है। इसमें लिखा क्या है? इसमें तो आइसक्रीम लिखा है। अच्छा। इसमें तो ये व्लॉग स्टार्ट किया था मैंने मंडे की रात को, ट्यूसडे भी पूरा चला और आज है वेडनेसडे मॉर्निंग, 3 दिन का पूरा कंबाइंड कर दिया है। नाश्ते में मैंने बनाया है सैंडविच। नाश्ता करने के बाद मैंने ये सारा सामान अरेंज किया, रात को तो काफ़ी लेट हो गए थे, टाइम नहीं हुआ, तो अभी करती हूँ। कल आइसक्रीम खाई थी तो उसके डब्बे में मैंने ये डाल दिया है प्रसाद, जुगाड़ू आइडिया। ये है आज का हमारा लंच, दाल चावल रोटी सब्ज़ी रायता और चटनी साथ में सैलेड। यहीं पे करती हूँ आज का व्लॉग ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर।